फिलहाल एक तस्वीर दिखाएं और उसके बाद अपने संवाददाताओं से हम बात करेंगे। हिमाचल की तस्वीर, हिमाचल में दरअसल लड़ाई इस बात की भी है कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। रिवाज एक के बाद एक और राज क्या बीजेपी सरकार से हटेगी। फिलहाल जो तस्वीर आपके सामने है, 32-32 कांग्रेस बीजेपी और 4 के खाते में अन्य रुझानों में। वहीं गुजरात की अगर हम बात करें तो 182 की 182 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 150 प्लस हो चुकी है, कांग्रेस के खाते में 21, आपके खाते में 8, अन्य के खाते में 2, ये शुरुआती रुझान है। थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा। अब हम सीधे रुख करते हैं संवाददाता मिलन शर्मा का, जो इस समय अहमदाबाद में मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर में, और सीधे उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। मिलन, अब तो हम देख रहे हैं ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, शंखनाद शुरू हो गया है, थोड़ी देर में रंग गुलाल भी उड़ना शुरू होगा, लड्डू की थालियां भी सजनी शुरू हो जाएंगी, फाफड़ा जलेबी भी आ जाएगी, चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले रुझान दिखा रहे हैं कि बीजेपी बड़ी बहुमत से सीटें ले रही है, और इसलिए हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसे लहराना शुरू हो गया है, और एक तरफ गरबा में जो गाने बजते हैं वो भी बजाए जा रहे हैं, और बीच में हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर नाच भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लैग है, जो झंडे हैं उनको लेकर, और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रात में दोबारा लहराने वाला है। बात कह रहे हैं कि थोड़ी देर में हम कह रहे हैं लड्डू भी होंगे, और फाफड़ा और जलेबी भी होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो हर्षोल्लास है वो आपको इस तरफ तो दिख रहा है, इसी तरह महापति कार्यकर्ता जुट गए हैं और लगातार जो रुझान है उनको देख रहे हैं, और कोशिश यही है यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेशन हो, बात करने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए जब आपको पूछोगे मिलन, ये बताएं जी, ये सेलिब्रेशन तो हम देख रहे हैं जी, मिलन ये बताएं कि यहाँ पर पार्टी का कोई बड़ा चेहरा, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए, अभी भी वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, इंतजार हो रहा है नेताओं के आने का, हमें कार्यकर्ता ही बताएंगे कि यहाँ पर गांधीनगर के आपके कमलम के ऑफिस में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे क्या इस जश्न में? बस अभी सीएम साहब भी आने की तैयारी में, भूपेंद्र भाई पटेल, हाँ वो भी आएंगे। हाँ जी, और भाजपा अध्यक्ष भी आएंगे। अच्छा, अध्यक्ष भी आएंगे? हाँ जी। अच्छा, और किस तरीके से आप उनका स्वागत करने वाले हैं? आज देख रहे रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, बस इसी हर्षोल्लास से उनका स्वागत होगा। ये भाजपा के संघर्ष की और जनता के भरोसे की जीत है, तो इसी हर्षोल्लास से उनका स्वागत होगा। आप लोग कहाँ से? बनसकांठा से मैडम। लोग बनसकांठा? हाँ मैडम, वैसे हम गांधीनगर में रहते हैं, और आज इतना उत्साह है हमारे लिए, इतनी बड़ी खुशी की बात है, आप सोच नहीं सकते, गुजरात की एक ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए। बनसकांठा के क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरी रात गांधीनगर में रुके क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो हर्षोल्लास का माहौल है वो दिखने लगेगा, कहीं झंडे फहराए जा रहे हैं, गरबा का गाना हो रहा है, और कहीं शंख भी बजाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें बताया गया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र भाई पटेल खुद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उनका इंतजार अब यहाँ पर किया जा रहा है। मिलन, आप खुद गुजरात में घूमी हैं, गुजरात में हम भी रहे हैं, हमने भी ये महसूस किया जिन पॉकेट्स में हम गए थे कि कांग्रेस दमखम के साथ लड़ती नजर नहीं आई, हालांकि वो उसको रणनीति साइलेंट कैंपेन बता रहे थे, लेकिन जिन इलाकों में आप गई, आप रुझान तो ये बता रहे हैं कि कोई टक्कर में ही नहीं था बीजेपी के वहां पर, क्या माहौल ऐसा ही दिखा आपको? अगर बात करें रुझानों की तो एक्सिस बाय इंडिया, इंडिया टुडे, आज तक एक्सिट पोल ने पहले ही बता दिया था कि बीजेपी की लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, लेकिन इस तरीके से होगी इसका भी अनुमान लगाना मुश्किल था, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस वक्त मैदान में दिख रही थी, और जहां जहां हम गए सौराष्ट्र खासकर जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल जगह रही है, वहां पर भी बीजेपी की सीटें अब इस बार पहले से ज्यादा आती हुई दिख रही है, और शायद यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर के दफ्तर में, और ये बहुत ही पुराना दफ्तर, बहुत ऐतिहासिक, एक जगह मैं आपको दिखाऊंगी अगर थोड़ी देर बाद, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका चुन के आने से लेकर मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, और यही दिखाता है कि किस तरीके का जो हार्ड वर्क है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे वो सीआर पाटिल हो या फिर वो अमित भाई शाह हो या यहाँ के तमाम जो इलेक्शन मैनेजमेंट हो, लोगों ने इतना काम किया है, और शायद इसलिए अब बीजेपी की लीड बड़ी दिखाई दे रही है उन सीटों में भी, खासकर जो वोट कांग्रेस के माने जाते थे आदिवासी।
वोट जो आम आदमी पार्टी के पास आपके पीछे देखिए जश्न की तस्वीरें, जश्न की आवाजें बहुत ज्यादा वहां पर हैं और आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन वहां पर जश्न इतना ज्यादा है कि मिलन भी इंजॉय कर रही है और इस वक्त 154 पर गुजरात में कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी 154 पर लीड कर रही है, कांग्रेस 19 पर, आम आदमी पार्टी 10 से 6 पर आ गई। सर जी 10 से 6 ये गलत है जी, यही घपला है, यही घोटाला है जी। एक बात बताइए आप, चुनाव में जब मतदान पेटी खुलती है तो सीटें बढ़ती हैं, हमारी घट कैसे रही है? अब फिर ईवीएम पर आ जाएंगे? नहीं तो ईवीएम दिल्ली में नहीं थी ना जी, अच्छा। दिल्ली वाली ईवीएम सही थी, गुजरात वाली ईवीएम में गड़बड़ है।